शहर में कोरोना कहर के बीच एक सकारात्मक तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां एक मां के कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर जब बच्चे ने उदास होकर खाना खाने से मना किया तो खुद सुपर कॉप रंजीत बच्चे के लिए खाना लेकर पहुंचे और बच्चे से वीडियो कॉल पर बात भी की। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना कहर के बीच सकारात्मक तस्वीर निकल कर आई सामने, माँ के कोविड पॉजिटिव हो जाने पर उदास हुआ बच्चा, बच्चे के लिए खुद खाना लेकर पहुँचे सुपर कॉप रंजीत। वीडियो कॉल पर रंजीत से बात करने के बाद बच्चे ने खाया खाना। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां एक और लोग नकारात्मकता का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं शहर के सुपर कॉप रंजीत लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें खुशियां बांटने के साथ ही उनका दर्द बांटने का काम करते नजर आ रहे हैं। रंजीत से एक ऐसी ही मदद की गुहार कोरोना पॉजिटिव माँ ने लगाई थी, जिनका 8 साल का बेटा माँ से दूर रहने के कारण खाना नहीं खा रहा था। लेकिन जैसे ही रंजीत को इस बात का पता चला, वह तुरंत उस बच्चे के लिए खाना लेकर उसके घर पहुंचे, जहां रंजीत से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद बच्चे ने खुशी खुशी खाना खाया और रंजीत अंकल को धन्यवाद भी दिया। अंकल आप घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल खाना बहुत टेस्टी था। अंकल मैंने पापा को बोल दिया जब मेरा मन करेगा मैं आपसे बात करूंगा। आई लव यू। बच्चे की मां बिंदिया शर्मा की माने तो कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उदासी के चलते उनके 8 साल के बेटे ने खाना कम कर दिया था, जिसके बाद खुद रंजीत भैया उसके लिए खाना लेकर पहुंचे। मेरा नाम बिंदिया शर्मा है। मुझे कोरोना हो गया था, इसीलिए इलाज के लिए मुझे राधास्वामी कोविड केयर सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां पर मैं 5 से 7 दिन एडमिट रही। इस दौरान घर पे बच्चे काफी उदास हो गए, क्योंकि माँ के चले जाने से घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। मेरा छोटा बेटा है 8 साल का, वो बहुत उदास हो गया था। फेसबुक के माध्यम से मुझे पता लगा रंजीत भैया किस तरह लोगों के चेहरों पे खुशी ला रहे हैं। मेरा बेटा भी मोहक, जिसका नाम है, वो रंजीत भैया का बहुत फैन है, बहुत खुश होता है उनको देख करके। जब भी वो कहीं उसको दिखाई देते हैं तो बहुत खुश होता है। मैंने रंजीत भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया अगर आप एक बार उससे बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो मैं घर पे नहीं हूँ और इसलिए उदास हो गया है और उसने खाना भी कम कर दिया है। भैया ने मेरी बात का सम्मान रखा, मेरे बेटे से वीडियो कॉल पे और कॉल पे बात तो की ही, साथ ही उसको खाना भी पहुँचाया। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। रंजीत भैया आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ ला रहे हैं। इस परेशानी के दौर में बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। मेरी दुआ आपके साथ, एक माँ की दुआ हमेशा आपके साथ है, आप हमेशा खुश रहें। इस नेक काम को अंजाम देने वाले सुपर कॉप रंजीत ने क्षण को मार्मिक बताते हुए कहा कि यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हम लोगों के दिलों में बसते हैं। कल मेरी लाइफ में एक अजीब सा एक फोन आया, जिसको मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर ये ऐसी उम्मीदें साथ हम लोग को और पॉजिटिव बनाती हैं और हिम्मत देती हैं। एक माँ जो कोरोना पॉजिटिव थी और उनका फ़ोन आया रात में कि उनका बेटा उनके फादर को, जो कि पॉजिटिव नहीं है, घर के उनके साथ हैं और उनको बहुत खाना नहीं खा रहा है, परेशान कर रहा है और थोड़ा सा विचलित हो रहा है और थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ उनको फ़ोन लगा के उसको मोटिवेट करिए और उसकी हेल्प करिए, एंड वो खाना नहीं खा रहा है। तो मेरे लिए एक बड़ा मार्मिक क्षण था, मेरे को बड़ा आंखों में आंसू भी आए कि क्या मैं इस तरह भी क्योंकि हम ड्यूटियाँ करते हैं, हम चौराहे पे बेहतरीन ड्यूटियाँ करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को हम काम करते हैं, पर किसी के दिल में इतना हम बस जाते हैं कि वो हमें अपना आइडल मान लेता है। और कल का उसकी अनुभूति जो हुई, मुझे कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत दे के गई। तो मैं फिर उसके बच्चे के से मैंने वीडियो कॉल पर बात भी किया, वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने वादा किया कि आप खाना खाऊंगा मैं और मैं वेट करूंगा और आप मेरी मम्मी को लेके आओगे तो खाना खाऊंगा मैं। एंड देन मैंने उसको बोला कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मम्मी को लेके आऊँगा। एंड फिर नेक्स्ट डे मैं उसके लिए खाना भी लेके गया और होपफुली अच्छा लगा कि वो उसके फादर ने जब मुझसे बोला कि सर आपके एक फ़ोन की वजह से
आपके एक फ़ोन की वजह से मेरे घर का पूरा माहौल बदल गया है और बच्चा खुश हो गया है और वो कहीं ना कहीं है, उसके अंदर हिम्मत आ गई है और वो अपने मम्मा का वेट कर रहा है और वो जो पैनिक हो रहा था वो पैनिक नहीं हो रहा, सब यकीन मानिए बहुत बहुत खुशी हुई। तो ये चीज़ एक मालूम पड़ी कि अगर आप अच्छा काम करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों में बसते हो। और कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार सामने आ रही नकारात्मक तस्वीर के बीच इस तरह की सकारात्मक तस्वीरें कहीं ना कहीं हर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।